अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस। माई सेल्फ हिना मिस। हियर वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 6 वर्ल्ड आफ्टर 1945। 1945 के बाद दुनिया जो थी उसके बारे में हमें ये चैप्टर दिया गया है। सो वी विल सी। द पेजेस ऑफ हिस्ट्री आर फुल ऑफ इन्यूमरेबल वॉर्स फॉट इन एंशिएंट इंडिया एंड द वर्ल्ड। हमारा जो इतिहास है उसके पन्नों में अनगिनत लड़ाइयाँ और युद्ध दर्शाए गए हैं पुराने जो है भारत में और पूरी दुनिया में। येट द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर विच विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर भी वो सारी लड़ाइयों में, वो सारे युद्ध में जो सबसे बड़ा तबाही करने वाले जो युद्ध थे वो पहला और दूसरा वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, विश्व युद्ध थे। द लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड विद द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग परमानेंट पीस इन द वर्ल्ड। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस जो है वो स्थापित की गई थी कि दुनिया में परमानेंट शांति हो जाए, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। बट ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशंस इट फेल्ड एंड इन 1939 वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट। क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर, पहले बड़े युद्ध के बाद ही जो है ये लीग ऑफ नेशन तो फॉर्म कर ली होगी, लेकिन वो फेल हो गई और 1939 में दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। द डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड एंड द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 परस्यूएडेड ह्यूमन बींग्स टू वंस अगेन मेक एफर्ट्स फॉर पीस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उस लड़ाई के बाद जो है डर जो है फैल गया था सब इंसानों में, और एक बार फिर से जो है शांति और सलामती स्थापित करने के लिए और जो है फ्रीडम यानी कि आज़ादी है ये सब के लिए जो है एफर्ट्स किए गए, कोशिश की गई। दिस रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और ये जो कोशिश है और ये जो शांति और सलामती के जो एफर्ट्स किए गए उससे जो है यूनाइटेड नेशंस का स्थापना की गई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। ये हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो वर्ल्ड आफ्टर 1945 यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। द यूनाइटेड नेशंस चार्टर स्टार्ट विद द प्रीएम्बल एंड इट एक्सप्लेन्स द गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के जो गोल्स है वो क्या कैसे होने चाहिए। बिलो गिवन आर द गोल्स। फर्स्ट, देर इज़ अ डिटर्मिनेशन टू सेव द फ्यूचर जनरेशन फ्रॉम द पैंग्स ऑफ ऑल डिस्ट्रक्टिव वॉर। अब आने वाली जो जनरेशन है उन्हें कभी भी युद्ध या युद्ध से होने वाले नुकसान ये सब का उनको सामना ना करना पड़े। हियर एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज बॉर्न आउट ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल जो कायदे हैं, अंतर्राष्ट्रीय कायदे और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनाई गई थी, और उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया कि ये सारी जो है जिम्मेदारियाँ उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन डेवलपिंग टॉलरेंस म्यूचुअली सो दैट द होल वर्ल्ड डेवलप्स सोशली। एक जो है सहन शक्ति और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई गई थी कि पूरी दुनिया जो है विकास कर सके सामाजिक तरीके से, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व विद द इंटरवेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड ह्यूमन राइट्स एज वेल एज बेसिक फ्रीडम शुड बी डिसमिनेटेड इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट लैंग्वेज जेंडर और रिलीजियन। तो जो भी जो है आर्थिक सामाजिक, ठीक है, कल्चरल जो भी प्रॉब्लम हो, सांस्कृतिक प्रॉब्लम, ये सब जो है वो सॉल्व की जाए, ठीक है, और हमारे जो मानव हक है, ठीक है, मानव अधिकार और जो बेसिक फ्रीडम है वो सब कुछ मिलना चाहिए। ना ही कोई भाषा का उसके अंदर भेदभाव हो, ना कोई जात पात का भेदभाव हो, ना कोई धर्म का भेदभाव हो, ये सब से दूर होकर एक जो बेसिक ज़रूरियात है और जो बेसिक आज़ादी है एक मानव होने का हक वो पूरा सबको मिले। फोर्थ नंबर, लास्टली अपील टू ऑल द नेशंस फॉर कोऑपरेशन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। और सारे देशों को इसकी अपील की गई, इसकी, ठीक है, एक अपील की गई कि ये सब जो हमने डिसाइड तो किया है कि ऐसा ऐसा हो दुनिया में, लेकिन वो कब होगा, जब आप लोग साथ दोगे, ठीक है। तो इस तरह की अपील जो है हर देश को की गई। दस यूनाइटेड नेशंस चार्टर कंक्लूड्स दैट Missile of war and constant urge of peace is the main objective of United Nations. तो इस तरह से लास्ट जो है एक लाइन में अगर हम देखें तो ये है कि ये युद्ध जो है वो अब से ख़त्म हो जाए और एक शांति की शुरुआत और शांति की स्थापना हो जाए, यही जो था इस
मीटिंग का और इस यूनाइटेड नेशंस का मेन पर्पस है। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो।